वहाँ 100 किस्म के मरीज होते हैं, क्या होते हैं, 100 किस्म के मरीज होते हैं और उनके साथ 100 बीमारियाँ होती है, क्या होती हैं, 100 बीमारियाँ होती है। तो दैट मीन्स कोई भी बीमारी, कोई भी जरासीम हमारे ऊपर आ सकता है, हम तक पहुँच सकता है और हमको उस बीमारी का शिकार बना सकता है। तो आप एहतियात से वहाँ पे रहें, डिस्टेंस में रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, अच्छे तरीके से वेट करें, या आप किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी पहले खड़े हैं, आपको भी कोई चीज़ देनी है तो आप डिस्टेंस बना लीजिए, अपनी बारी का एहतमाम करें, बात करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। आपने सुना होगा कि इलाज से बेहतर क्या है, परहेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना आप परहेज करेंगे तो उतना आपको जो सेहत है या जो खतरे हैं वो नहीं हो सकते हैं। अगर आप क्योर जो हम इलाज जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो कितना भी करेंगे, बीमारी आपके साथ साथ गलिया दिया जाता है, ये हलवा बना के दिया जाता है, बिस्कुट दिया जाता है, न्यूट्री दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं। इसका क्या मकसद था, क्या उनके घर में वो खाने पीने का चीज़ सामान नहीं है, बल्कि ये कि सही तरीके से इस बच्चे तक क्या पहुंचनी चाहिए, न्यूट्रिशन पहुंचनी चाहिए, ये जो पोषण है जिसको हम गिज़ा कहते हैं, ये गिज़ा सही मानों में उसके पास पहुंचनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी का फ़ायदा उठाना है, अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकलिटी में, तो हफ्ते का बराबर प्लान होता है वहाँ पे, वो इसीलिए वो प्लान बनाया गया होता है कि सही मानों में इसके पास न्यूट्रिशन पहुँचे और ये माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। तो ये माल न्यूट्रिशन का मकसद या इसको ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरत है, आप देख लीजिए। आज भी मैं रिसेंटली एक सर्वे पढ़ रहा था, पहले में कम से कम डाइट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान क्या है, इनकम्प्लीट। मछली खाए, हर खाने से पहले पूरी तरह से चेक करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम मत है, कोई मसला मत है। तो जब आप उस न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे तो इसका मतलब है आप अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें। अगर आप कहीं पे ऐसे बच यहाँ पे आपको खाना मिलता है, यहाँ पे आपको दाल मिलता है, यहाँ पे चावल मिलता है, सारा कुछ वहाँ पे मिलता है, तो ये गवर्नमेंट की एक पहल थी, ये गवर्नमेंट की एक